स्टार्ट कर सकते हो। माशाल्लाह सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड में बरखान गाजी पीर दरगाह, तो ये बहुत अच्छा मयार है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग आइएगा तो अच्छा से ज्यारत करिएगा। ये पूरा गेट है, आप देख सकते हैं ये, यहाँ पे बहुत भीड़ है, पता नहीं किस वजह से भीड़ है, क्या वजह से भीड़ है पता नहीं सकते। आपको देख सकते हैं सामने रजी भाई है, गेट खोल रहे हैं, हम लोग अंदर चलेंगे। सामने देखिए मजा से, बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है, इनका बता दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलातु वस्सलामु अलैके या रसूलुल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या हबीबल्लाह। तो फिर से हाजिर हो चुके हैं हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। देख सकते हैं आज हमारे चेहरे पे काफ़ी खुशी है, ये खुशी देखिए, क्यों खुशी है बताइए तो समझुल्लाह भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का दुआ इतना मिला है और इतना प्यार मिला है, इसलिए खुशी है कि आप लोग का वजह से और आप हम लोग का थोड़ा मेहनत का वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग का हम लोग का 1000 सब्सक्राइबर पार हो चुका है। सुभान अल्लाह सुभान। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का जो जो हम लोग को वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, अल्लाह करके उनकी जो नेक दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। और हमारे सलीम भाई का कमेंट्स में आप लोग को बार बार बोलते हैं, लिख के बताइए सलीम भाई का अंदाज़ आप लोगों को कैसा लगता है, या इससे बढ़कर भी कुछ करने वाले हैं या कुछ अलग करने वाले हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ना, तो सलीम भाई आप लोग को मायूस कभी नहीं करेंगे। तो आज 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ है तो उसके लिए आज उसी में क्या आप लोग भी कॉमेंट्स में ही बताइए क्या करना है। ऐसे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सोचे कि फातिहा करेंगे और जो भी इस्लामी भाई आएंगे उन लोग को हम लोग जरूर मिठाई खिलाएंगे। लेकिन फातिया करने के लिए यहाँ पे तो मिठाई वगैरह मिल नहीं रहा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग फातिया करके आप लोग को दिखाया जाएगा और खुशी मनाया जाएगा कि 1000 सब्सक्राइबर हो गया है। तो इस बार हम लोग जहाँ पे आए हैं ये बेलूर मठ, आपको शुरू में वीडियो में देखे होंगे, बेलूर मठ हम लोग का हावड़ा में बेलूर मठ है, वहाँ पर एक दरगाह है बरखान गाजी बाबा का दरगाह। तो काफ़ी पता लगाने के बाद हम लोग आज आए हैं, पिछला हफ्ता हम लोग ब्लॉग नहीं दे पाए मसरूफियात की वजह से। तो शमसुल्लाह भाई थोड़ा मज़ार के बारे में हमारे नाजिन को बताइए। जी बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हर मज़ार की आप लोग को ज़्यारत हम लोग कराते हैं, तो अभी हम लोग को जो जानकारी मिली है बरखान गाजी रहमतुल्लाह अलैहि इनका पूरा नाम है, तो इंशाल्लाह तआला अभी हम लोग आपको मज़ार का ज़्यारत भी आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और आप लोग को अगर खादिम मिलते हैं तो इनका जो भी जानकारी है हम लोग ज़रूर आपको पेश करेंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप लोग से भी यही ख्वाहिश है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई नया मज़ार जाने जो कुछ अलग मज़ार के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इंशाल्लाह वो मुराद आप लोग को हम लोग जरूर पूरा करेंगे। सलीम भाई आज एक खुशखबरी आप लोग को ये देना है, 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल में जगह जगह जहाँ जहाँ पे मज़ार है जहाँ जहाँ मज़ार हम लोग खोजेंगे और आप लोग को ज़रूर दिखाएँगे। और वेस्ट बंगाल के बाहर भी, जैसे बताए शमसुल्लाह भाई, वेस्ट बंगाल के बाहर भी इंशाल्लाह जाके ज़रूर दिखाएंगे। ऐसा मज़ार आप शायद हो सकता है नहीं देखेंगे बरखान गाजी बाबा का मज़ार पे यूट्यूब में, तो ये एक नया चीज़ है, आप नया चीज़ें देखिए, मज़ार की ज़्यारत कीजिए। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा हम लोग का रिस्पॉन्स दिया, इस तरह वीडियो में रिस्पॉन्स दीजिए, कॉमेंट्स कीजिएगा तो हम लोग का हौसला बढ़ेगा। तो आइए मज़ार की ज़्यारत करते हैं, और सलीम भाई भी बहुत खुशी है, उनसे थोड़ा खुशी का राज पूछ लीजिए। आखिर एक खुश क्या है इतना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आप लोग के दुआ ऐसे ही दुआ रहेगा तो इंशाल्लाह हम बहुत खुश रहेंगे लोग। बस आप लोग दुआ कीजिए और जहाँ भी अगर जाना हो कुछ भी ऐसा तो आप कमेंट्स में दीजिए, हम लोग तो लिखिए हम लोग। जैसा कि आप देख सकते हैं गेट से ढुकने के बाद ही एक मज़ार की यहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है, यहाँ पे रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मज़ार यहाँ पे है, और ये भी यहाँ पे कुछ कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान टाइम में मज़ारी है, सब कब्रिस्तान नहीं है मज़ार है। और यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है वजू बनाने के लिए, देख सकते हैं सलीम भाई वजू बना रहे हैं, तो खास कुछ नहीं है, हो सकता है कि बन रहा है। और यहाँ पे कुआं भी है, आइए आपको कुआं दिखाते हैं, कुआं तो बंद है यहाँ पे, लेकिन कुआं देख सकते हैं आप, हो सकता है कुआं से पानी निकलता हो, तो हम लोग को पता नहीं है। ये पूरा एरिया आप देखिए, यहाँ पे मेन दरगाह देखिए आप, सामने में मेन दरगाह है, देख सकते हैं दरगाह का ये गुंबद है, हो सकता है यहाँ पे अभी सब उर्स वगैरह हो इसलिए काम चल रहा हो, हम लोग फिर पूछ के आपको बताएंगे।
लोकेशन जैसे आपको बताया गया था कि लोकेशन एकदम बेलूर मार्ट के पास है। बेलूर मार्ट आइएगा, किसी से पूछिएगा कि बरखान गाजी दरगाह, तो वो लोग ज़रूर यहाँ से आपको ये रास्ता बता देंगे। तो आइए ज़ियारत करते हैं मज़ार की। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग बुरखान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार की ज़ियारत करवा रहे हैं आपको वीडियो के माध्यम से। तो कम से कम कुछ ना कुछ इनको पेश किया, सुरयासिन दरूद शरीफ या फातिहा कुछ भी कुछ पेश किया जाए। तो जब भी आए तो अदब एहतराम का ख्याल रखते हुए आए और अच्छे तरीके से आए। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मज़ार है, अलहमदुल्ला माई दुआ करें। सामने भी रची भाई है और मेरे प्यारे भाई, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा मज़ार है। ये ताबीज वगैरह का भी यहाँ पे इंतज़ाम है कि आप लोग आइएगा तो आप लोग को जो भी परेशानी इंशाल्लाह ताला देने वाले तो अल्लाह पाके, बिना वसीला का कुछ होता नहीं है। सामने देखिए आपको एक गहरा भी है और ये काफ़ी खूबसूरत मज़ार है। जैसे बुरखान गाजी रहमतुल्लाह अली, अल्लाह करके ये हम लोग के दुआ कबूल करें। यहाँ पर चिराग भी है, सामने देखिए घोड़ा वगैरह भी है, देख सकते हैं ये। जी हाँ, ये पानी है, पानी आप पी सकते हैं। रजी भाई देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पानी लेके पी रहे हैं। मतलब ये पानी पीने से क्या होगा? अजय बरखान है थोड़ा। अच्छा, ये इनका जो मजा कितना साल पुराना है? 400 वर्ष। माशाल्लाह 400 वर्ष पुराना है। तो आप यहाँ का मजावत? अच्छा हजरत, अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत साफ सफाई हो रहा है, रंग हो रहा है, तो क्या उर्स के तैयारी हो रही है? मैंने यही सितंबर में उर्स है। कितना सितंबर को बताया? 27 सितंबर को उर्स है। इनका कुछ वाक्य वगैरह बता दे। अच्छा यार, ताबीज वगैरह का? ताबीज वगैरह यहाँ पे मालूम है, जैसा कि भाई को मालूम है वो जो कलसी रखा हुआ है। अच्छा, वो जो गहरा पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए अच्छी राग वगैरह जो है। तैयारी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 12 रबीउल से ठीक एक दिन पहले यहाँ पे उर्स होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उर्स आइएगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। उर्स में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे खाना वगैरह लंगर का भी इंतजाम होता है। आप लोग आइए और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है आप लोग अच्छा से मनाइए। चलिए आपको आगे ईदगाह दिखाते हैं। बगल में सुने ईदगाह भी है और मस्जिद भी है। मेरे प्यारे भाई, जैसा कि देख सकते हैं ये बेलूर मार्ट का सबसे फेमस जगह है। आप लोग यहाँ पे आइएगा तो बहुत फेरी घाट वगैरह भी है, सब काफ़ी भीड़ देख सकते हैं। बताना चाहूँगा इसलिए सब वेट करें क्योंकि ये जो ओपन होते हैं ये 4 बजे होती है। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोगों को ये बताना चाहूँगा बेलूर मार्ट का सबसे फेमस जगह ज़रूर आइए। आइए हम लोग आपको ईदगाह दिखाते हैं। मजार की ज़ियारत ऑलरेडी करवा चुके हैं, आपको ईदगाह की भी ज़ियारत करवाते हैं। अरे भाई, आप लोगों को बताना चाहूँगा जैसे कि आपको मज़ार की ज़ियारत ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, ये ईदगाह है। तो ये ईदगाह आप देख सकते हैं खाली है और काफ़ी भीड़ का वजह से आपको बताना यही चाहूँगा कि यहाँ पे बेलूर मार्ट है और काफ़ी फेमस जगह है। आप लोग आइए, सुकून पाइए। और ईदगाह में देखिए ये थोड़ा साफ़ सफाई नहीं हुआ है, लेकिन 12 रबीउल से ठीक एक दिन पहले यहाँ पर उर्स मनाया जाता है बरखान गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पर। तो फिलहाल अभी तो देख सकते हैं ये ताला बंद है, अंदर जाने का इजाज़त अभी हम लोग को मिले नहीं है, लेकिन
बस जस्ट थोड़ा भीड़ भाड़ है, आगे में चलिए आपको मस्जिद है वो भी आपको ज्यारत करवाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सलीम भाई जो है सफाई करने में बहुत तेज है, तो क्या करते हैं आप? थोड़ा लगे तो जाते हम थोड़ा सफाई फाई कर देते, थोड़ा साफ सुथरा बना दिया जाए क्या ऊपर से? तुम्हें तो ऐसी भी चाहिए ना, झाड़ू वाड़ू सब रहते तो हम सफाई कर देते, ऐसे तो बात नहीं है। अच्छा झाड़ू नहीं है, फोटोग्राफी इधर चले जाए। माठ है ये सबसे बड़ा, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, जैसे राजीव भाई बताए हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर सब आते हैं, साल में एक दफा प्राइम मिनिस्टर आते हैं। वाकई में बहुत खूबसूरत जल रहा है, अच्छे जल रहा है। तो बताना चाहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह, लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का इकाई नहीं है, मोहब्बत नहीं है, लेकिन जिस इलाका में हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे अगल बगल काफ़ी मंदिर है, और इस मंदिर होने का बावजूद भी यहाँ पे मस्जिद है, मजार है, ईदगाह है। तो ये देखिए हम लोग में इकाई देखिए, हम लोग क्या है हिंदुस्तानी, हम लोग सबको ले के चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कितना शांति सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भाई, आप दिखाइए मस्जिद को पूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद नाम है क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं ये मोहब्बत भी है, इकाई भी है। और आपको यही बताना चाहूँगा कभी भी मस्जिद देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटा दरुस शरीफ पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि पाक में अगर आप दरुस शरीफ पढ़ते हैं तो तमाम दुनिया में जितना मस्जिद है उसका सब। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बात को जरूर आप लोग मस्जिद को देख कम से कम एक छोटा दरुस शरीफ जरूर पढ़। अभी मस्जिद बने आइए तो आपको आइए, कि आप देख सकते हैं कि सलीम भाई खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो माफ़ी चाह हमारे दोस्तों से नहीं हो पा रही है, गेट बंद है पता नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइए हम लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपना ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और प्यार देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत